ये क्लिप देखा? ये क्लिप बेसिकली है पाकिस्तान टीम, जो क्रिकेट टीम है, अहमदाबाद में होटल में घुस रही है और उनका वेलकम हो रहा है अलग से, एक गरबा डांस परफॉर्मेंस वगैरह के साथ, एकदम फुल पॉम्प एंड शो के साथ। क्यों? हमने देखा, कल रिपोर्ट आई थी, कल उसके बारे में हमने बात भी करी थी कि एक सेरेमनी परफॉर्मेंस की बात हो रही है, एक ओपनिंग सेरेमनी टाइप की, प्री मैच सेरेमनी टाइप की बात हो रही है, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले होगी अहमदाबाद स्टेडियम में। उसमें अरिजीत सिंह वगैरह परफॉर्म करेंगे, कलरफुल प्रोग्राम सब होना है। अगेन, क्यों? यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतने टाइम से जो सारी बात चल रही है, पहली बात तो सिर्फ अगर स्पोर्टिंग सेंस में देखें, वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी नहीं थी, बाकी किसी भी टीम को इस तरह का वेलकम नहीं मिलता है। होटल्स में जाते हैं तो उनको बुके पकड़ा दिया जाता है, उनको ताली बजा के अंदर बुलाया, जल्दी आ गए बड़ो। इवन इंडियन टीम के साथ नहीं हुआ कभी ऐसा इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। पाकिस्तान टीम को एक अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है और इंडिया पाकिस्तान मैच को एक अलग से ट्रीटमेंट मिल रहा है। वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, आपको कुछ नहीं हुआ, हम बस ठीक है मैच खेलना शुरू कर दो, इंडिया पाकिस्तान से पहले हम एक सेरेमनी रखेंगे। क्यों भाई, क्यों? यहां पे अगेन मेरी एक ऑलमोस्ट फेवरेट लाइन हो गई इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में बात करते करते कि कोई समझा दो प्लीज। एंड मेरे को लग रहा है ना कि जिस तरह के चल रहा है अभी तक कुछ मामला, ये एक सीरीज ही बना देते हैं हम लोग इस चैनल पे इस टाइटल के साथ, कोई समझा दो प्लीज। क्योंकि हमने देखा अभी थोड़े दिन पहले हमने बात करी थी कि कैसे बीसीसीआई टेकन को ग्रांटेड ले रही है हम सब फैंस को, हम लोग लिटरली टिकट्स हमें किसी को नहीं मिल रही है, बहुत कम लोगों को टिकट्स मिली है, जो मिली है वो भी बहुत महंगी महंगी मिली है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, कल दिल्ली में इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान मैच था, मेरा एक मन था जाने का यार, ऑब्वियसली सबका मन होता है, इंडिया को देखेंगे, भारतीय टीम को देखेंगे, विराट कोहली को देखेंगे खेलते हुए उनके होम ग्राउंड पे। टिकट कहीं अवेलेबल थी नहीं, जो मिल रही थी वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, इतने पैसे नहीं है यार कि नहीं है हम लोगों के पास, क्या करें। एंड फिर आप देखते हो बीच मैच में जब कैमरा पैन होता है बाउंड्री की तरफ तो कुछ 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 सीट्स आपको खाली दिखती हैं, तो आपको आता है और गुस्सा, क्योंकि आपको पता है कि पहले दिन पे इन लोगों ने टिकट्स हाँ सोल्ड आउट है, सब कुछ सोल्ड आउट है, इन लोगों ने टिकट्स रिलीज ही नहीं करी है टाइम से। आपको ये सब दिखता है, आपको ये सब दिखता है, जो भारत में बैठे हुए फैंस हैं उनको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से, एंड दूसरी तरफ घूम के पाकिस्तान को एक अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, किस खुशी में ये मुझे पता नहीं अभी तक। पहली बात तो इंडिया पाकिस्तान अगेन बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत एक हाई इंटेंसिटी मैच हो सकता है, बहुत ज्यादा फॉलोड मैच होगा नो डाउट, पर यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंडिया वर्सेज नेदरलैंड होगा। एट द एंड ऑफ द डे एक ये स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है, इसकी इंटेग्रिटी बराबर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो ब्लेटेंटली उस चीज को इग्नोर किया जा रहा है। क्यों पता नहीं, मतलब हम सबको पता है क्यों, पर इस तरह के ड्रामों की वजह से ना जेन्युइनली आज तक ग्लोबल इज्जत नहीं बन पाई है क्रिकेट की, कि आप रैंडमली कुछ भी करते रहते हो, वर्ल्ड कप के दौरान आप ये कर रहे हो, अभी पीछे एशिया कप हुआ था, एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच के लिए सुपर फोर वाला जो मैच था, जो सेकंड पहला मैच जो भारत पाकिस्तान का था ग्रुप स्टेज में, बाय द वे हम सबको मालूम है बहुत ट्रांसपेरेंटली हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, जब से इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है, फॉर ऑब्वियस रीजंस नहीं होनी चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम, पर ऑब्वियसली आईसीसी टूर्नामेंट, एशिया टूर्नामेंट इन सब में खेलते हैं, ठीक है मान को मान लिया, पर हर बार जहां पे भी या तो लीग स्टेज फॉर्मेट होता है कि हाँ भाई सब टीम आपस में एक एक मैच खेलेंगी, या अगर तो ग्रुप फॉर्मेट होते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी, इनवेरिएबली भारत पाकिस्तान हमेशा एक ग्रुप में होते हैं, सबको पता है क्यों, समझाने की जरूरत नहीं। हमने देखा एशिया कप में ये दोनों टीम्स एक ग्रुप में थी, जो ग्रुप स्टेज का मैच था वो धुल गया बारिश की वजह से, कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जो सुपर फोर का आगे राउंड रॉबिन वाला मैच था जिसमें भारत पाकिस्तान का मैच था, उसके लिए एक रिजर्व डे रखा गया सिर्फ उस मैच के लिए, क्योंकि बाकी किसी मैच के लिए रिजर्व डे नहीं था, एक उस मैच के लिए, एक फाइनल के लिए रिजर्व डे रखना समझ में आता है। भारत पाकिस्तान मैच का अगर बाकी किसी टीम के मैच के लिए आपने रिजर्व डे नहीं रखा है तो क्यों? आई एम सेइंग दिस एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, मैं चाहता हूं अपनी टीम को ज्यादा खेलते हुए देखना, मैं चाहता हूं अपनी टीम को अच्छा खेलते हुए देखना, पाकिस्तान को हराते हुए देखना, बट जो ये ड्रामा हो रहा है ना पूरा कि हाँ भाई इसी मैच को इंपॉर्टेंस दे देते हैं, क्यों?
क्या मतलब है इसका? क्रिकेट, मैंने पहले भी कई कई वीडियोस में बोला है, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसकी एक ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए थी। अभी तक 100 साल से खेला जा रहा है, कई कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज में खेला जाता है, पर जो इसकी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज बनती है, जो इसका एक एंटरटेनमेंट फैक्टर बनता है, 20 साल से तो T20 चल रहा है फॉर्मेट, सबको पता है कि वो एक अच्छा पैकेज हो सकता है, उसको एक ज्यादा एक्सपैंड किया जा सकता है, पर इस टाइप की हरकतें होती रहेंगी ना, जहां पे आप बेसिकली बस ब्लेटेंटली कुछ भी करते जा रहे हो, तो ये कभी एक ग्लोबल फिनोमेना नहीं बनेगा, मुझसे लिखवाना। अब आते हैं स्पोर्टिंग से दूसरे रीजन पे, पॉलिटिकल थोड़ा सा, अगर इसे कहना तो पॉलिटिकल नहीं है, बहुत ही फ्रैंक रीजन है ये। आप ये देखो, पाकिस्तान पिछले काफी टाइम से लिटरली क्या स्पॉन्सर कर रहा है भारत के अगेंस्ट सबको पता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं चैनल पे, ये सारी बातें करो तो ज्यादा। हम सबको पता है क्यों बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है, बहुत वैलिड रीजन से नहीं हो रही है। ये बोलना कि हाँ भाई स्पोर्ट को तो अलग रखना चाहिए, स्पोर्ट इज अ बिग हीलर, स्पोर्ट इज अ वेरी बिग हीलर, स्पोर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल हीलर, बट दोनों साइड जो इन्वॉल्व होती है ना, उन दोनों को इंटेंशंस क्लियर रखनी होती है। हमने कल जो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देखा है इसका, विराट कोहली और नवीन उलग वाला, स्पोर्ट वॉज अ बिग हीलर देयर, बट दोनों पार्टीज इन्वॉल्व थी, दोनों पार्टीज एक्चुअली उस मसले को खत्म करना चाहती थी, जो आपस में ऑफ फील्ड बिटरनेस भी चल रहा था, उस चीज को एक दबा के हाँ ठीक है लेट्स मूव ऑन, लेट्स बिकम पीसफुल। ये अगर इसी एग्जांपल में अगर नवीन उल हक ये पूरे 6 महीने धड़ाधड़ गालियां दे रहे विराट कोहली को, उनको कुछ अटैक कर रहे हैं, पर और ये भी बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो चाहता हूं पीस हो जाए, स्पोर्ट को तो अलग रखना चाहिए, कोई सेंस है इस बात की? नहीं है ना। तो यही हो रहा है अभी, एंड वेरी वेरी फेयरली सो कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे। बहुत लोग बोलते हैं नहीं आईसीसी इवेंट में तो मैच खेल ही लेते हैं, एक कोई पिक्चर है रईस करके, एक उसके डायरेक्टर ने भी कोई स्टेटमेंट दी थी, मैचेस खेल तो रहे ऐसे तो एक्टर सिंगर इन सबको भी आने दो, है यहाँ पे कुछ? एक मैच खेलना और बायलैटरल सीरीज खेलने में फर्क है, बायलैटरल सीरीज और लोगों को आके यहां कमाइयां करने देने में फर्क है, ठीक है जो भी है। मुझे ये समझाओ, हम यहां पे एक तरफ ये बात करते हैं कि नहीं नहीं बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, दूसरी तरफ हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान टीम को, आईसीसी मैंडेट है, हम आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, सबको आने का बनता है, उनको भी आने का बनता है, उनको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट किस बात पे दे रहे हो, ये कोई समझाएगा? उसके अलावा हमने ये देखा था एशियन कप जो हुआ था अभी, एशियन कप के टाइम पे, एशिया कप के टाइम पे बीसीसीआई का एक कंटिंजेंट जिसमें बीसीसीआई प्रेसिडेंट रॉजर बिनी वो भी गए थे पाकिस्तान मीटिंग के लिए पीसीबी के साथ। पीसीबी के प्रेसिडेंट वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले भारत को दुश्मन मुल्क बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी, और हम यहां पे पता नहीं किस बात पे मोर बने हुए हैं। हाँ, कोई नहीं, एक पता नहीं कौन सी पिक्चर की लाइन है यार, मेरे को याद आएगा तो मैं कभी और बताऊंगा, एक बड़ी फेमस लाइन है भाई साहब, अपनी अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, कुछ तो रख लो, अपनी नहीं रखनी अपने देश की रख लो, अपने देश की नहीं रखनी उन लोगों की रख लो जो देश के लिए मर रहे हैं सड़क पे खड़े होके, क्या कर रहे हो? ये स्पोर्ट है, एक मैच है, आईसीसी का एक मैच है, मैंडेटेड मैच है, खेल लिया ठीक है। हमने इतनी बार देख लिया विराट कोहली हाथ मिला रहे हैं उन लोगों के साथ, बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ, तो उनको गलियां रहे हैं हम लोग, ज्यादा सारे लोग गलियां रहे हैं बैठ के, ये जो हो रहा है इसमें क्यों नहीं गलियां रहे हैं हम बीसीसीआई को? अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, अलग से सेलिब्रेट करेंगे भारत पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान टीम को सबने देखा था हैदराबाद एयरपोर्ट पर किस तरह का अलग सा वेलकम मिल गया था, क्यों भाई क्या कर रहे हो सारे मिलके? मेरे को जेन्युइनली नहीं समझ आ रहा अभी क्या हो रहा है, एंड दिस is literally an insult to all the martyrs of the country. जितने भी लोग आज तक शहीद हुए हैं border पे because of sponsored acts, उन सब के लिए ये एक insult है बहुत बड़ी, क्योंकि BCCI इंडिया की एक इतनी बड़ी sporting organization इस तरह के काम कर रही है, out of the way जा रही है उस team को अच्छा सा welcome देने के लिए। आपके स्पॉन्सर्स, आपके ब्रॉडकास्टर्स,
आपके आपके जो सेल्स वगैरह हैं वो आपके देश के शहीदों से इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज समझो बात को। आई नो ये थोड़ा सा ज्यादा एक एक पॉलिटिकल शायद हो रहा है, मोटिवेटेड ये वीडियो, एक स्पोर्ट्स चैनल है, पर यार अगेन एट द एंड ऑफ द डे मैं कोशिश वही करता हूँ जो मेरे को लग रहा हो उस चीज के बारे में बात करूं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मेरे को ये चीज बहुत गलत लग रही है क्योंकि अगेन अगर वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजेशन देखो आप, टिकट्स हम में से किसी को नहीं मिली, इन लोगों ने सारी वो कॉर्पोरेट और इन सबको दे दिए टिकट, वो लोग जाके मैच देख नहीं रहे हैं जो हो रहा है। आउटफील्ड धर्मशाला की जो देखी है हमने, वहां पे क्या ही वो उन्होंने एक मिट्टी खोद के लॉन्ग जंप का टर्फ बनाया हुआ है, वो क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। बेसिकली हम सब एक फुद्दू खाते में बैठे हैं लोग और यहाँ पे सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान को बस किसी तरह बस उछाल उछाल के आगे कर दो क्योंकि उसी एक मैच से बहुत सारे पैसे आ जाने हैं। मैं तो जेन्युइनली सरप्राइज हूँ बाकी सारी जो टीम्स इन्वॉल्व हैं, भारत पाकिस्तान इसके अलावा 8 टीमें इन्वॉल्व हैं, वो लोग इस चीज पे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, अलग से इस मैच से पहले एक प्री गेम सेरेमनी क्यों चाहिए आपको, आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो। मैंने कहीं एक x.com ट्विटर जो भी है वो उस पे एक एक पोस्ट देखा था किसी का कि अगर तो इंग्लैंड में मैच होता है और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग से मिडल ऑफ द टूर्नामेंट एक प्री गेम सेरेमनी रखी जाती है, एक रंगारंग समारोह रखा जाता, तो इमीडिएटली सारी दुनिया इसको एक रेसिस्ट चीज बोलना शुरू कर देते हैं। यहां पे ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम ना जेन्युइनली शर्म से आती है क्योंकि अभी तक भारतीय टीम अच्छा खेली है। पहले दो मैच जो भी हुए हैं अभी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के साथ हम लोग ने अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, पर जो बोर्ड कर रहा है ना अभी हम सबको पागल बनाने का काम, पूरे देश को पागल बनाने का काम, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। एंड मुझे उन फैन से भी बात करनी है थोड़ी सी जो नारे लगा रहे थे हैदराबाद स्टेडियम में, जीतेगा भाई जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, कहां बैठे हो, क्या देख रहे हो, किसके लिए चीयर कर रहे हो, थोड़ा सा तो सोच लो यार। एक कोई वीडियो वायरल हो रखा है एयरपोर्ट पे, हैदराबाद एयरपोर्ट पे, जहां पे कोई लड़का जबरदस्ती वैलिडेशन सीख कर रहा है पाकिस्तान टीम से, सर 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 रिजवान सर रिजवान सर, नहीं समझ आ रहा मुझे। अगेन कोई समझा दो प्लीज। आई नो फिर से बोल रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा पॉलिटिकल हो गया, थोड़ा सा ज्यादा ऑफ ट्रैक है शायद, आई डोंट नो, पर एंड अगेन मैं ये भी मानता हूँ कि स्पोर्ट और पॉलिटिक्स आपस में मिक्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, पर थोड़ी सी तो इज्जत रखनी बनती है अपने देश की, वो स्पोर्टिंग फील्ड पे एंड ऑफ द स्पोर्टिंग फील्ड। एट दिस पॉइंट इन टाइम जो ये पूरा चल रहा है तमाशा, उस चीज में हो रहे हैं बीसीसीआई वाले फेल, एंड मैं उन लोगों के पॉलिटिकल लिंक्स वगैरह की बात नहीं ज्यादा करना चाहता, ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, पर आई एम वेरी श्योर अगर आप ये देख रहे हो और आपने ये सुना है तो आपको समझ आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किन लोगों की बात कर रहा हूँ, कि आप वैसे कुछ और बोलते हो, कर कुछ और रहे हो। अगेन अगर तो इस पूरे तमाशे में जो आपको, अगेन अगर आप इस पूरे तमाशे में कुछ मुझे समझा सकते हो तो कोई समझा दो प्लीज। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन दबा दो ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोग हमें कुछ समझा पाए, एंड अगर चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।